सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले। सो गाइज, आज माइकल ने एक नई कार खरीदी है जिसका नाम है लेम्बोर्गिनी, और इसका मॉडल मेरे को सही से याद नहीं है। तो अभी हम फिलहाल इसको देखते हैं कि कैसी है, और दिखने में बहुत अच्छी है। तो अभी हम फिलहाल इसको जाता हूँ, मैं लेम्बोर्गिनी लेता हूँ। तो वीडियो पूरी देखेगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए गाइज, यहाँ पर हमारी दो कार्स खड़ी हुई है, यहाँ पर उसमें से एक ये वाली लेम्बोर्गिनी है एंड एक ये दूसरी कार है, इसका नाम मेरे को याद नहीं है, मगर ये बनवाई है मैंने, दोनों को बनवाई हुई है मैंने। तो जैसे कि देखें, यहाँ पर हमारे सामने दो कार्स हैं एंड और भी मेरे गैराज में गाड़ियाँ खड़ी हुई है। और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि और भी हमें कार ख़रीदनी चाहिए या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी अभी राइड करके देख लेते हैं, इसका प्रीव्यू देखते हैं कि कैसी है चलने में। तो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसको फुल प्रोफेशनल तरीके से बनवाया है एंड इसके देखें नीचे से इसका कलर रेड करवाया है, जो नीचे लाइट लगी होती है लेवेट लाइट, एंड इसका जो गाड़ी का कलर है। सो गाइज, जैसे कि देखें, यहाँ पर आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी कार है और इसकी कीमत तकरीबन 6 से 7 लाख डॉलर है। तो इसको मैंने ख़रीदा है, और भी कार्स मैं ख़रीदूँगा, तो अगर आप कमेंट में बताएं और कौन सी मुझे ख़रीदनी चाहिए तो मैं इंशाल्लाह आगे देखूंगा, ख़रीदूंगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी कार है, और इसको मैं उतर के भी दिखा देता हूं। और माइकल आजकल अमीर हो गया है और इसके बैंक अकाउंट में अभी बहुत पैसे पड़े हुए हैं, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं 4 करोड़ है तकरीबन और डॉलर में है। तो ये और भी कार्स ख़रीद सकता है, और फ्रैंकलिन माइकल जैसे कि अभी ये अमीर हो चुके हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इनका मिशन करके बताऊं शुरू से, तो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो हम इसका फर्स्ट मिशन से करेंगे, जब ये गरीब थे, इनकी गरीबी, तो तब से मैं मिशन करूंगा। और जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि ये इसके बेटे की कार है, और इसकी बेटी की कार अभी फ़िलहाल नहीं है, तो गई हुई है। जहाँ पर मैं इसको अभी थोड़ा दूर कर देता हूँ, अभी हम इसको राइड करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखें, एक ही उसमें गाइस, जैसे ही मैं डायरेक्ट इसको स्पीड देता हूँ, डायरेक्ट से आगे चले जाती है। और इसको मैंने बनवाया है, जैसे कि आप यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, लॉस सैंटोस कस्टम हाउस है, यहाँ पर से मैंने बनवाया है। तो वो बहुत ही अच्छी कारें बना देता है, तो मैंने उसको बोला था कि भाई बहुत अच्छी कार बना देना, और ग्रीन कलर में बनवाया। और इसको मेरे को बहुत ही एहतियात से चलाना पड़ेगा, मगर इसको थोड़ी खरोच भी लग गई है। और इसका जो मैंने टायर स्मोक होता है वो ब्लू करवाया है, और आप देख सकते हैं बहुत ही स्पीड, यहाँ तक कि मैं इसे कंट्रोल नहीं हो रही, इतनी तेज़ भागती है ये। और मैं अभी आपको गैरेज में ले चलता हूँ, कि और भी मेरी जो कार्स मैंने जो ली है, ख़रीदी है, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी फ़िलहाल। तो हम जाते हैं इसके गैरेज पे, और माइकल सोच रहा है कि मैं एक और गैरेज ख़रीद लूँ, मगर इसके पास अभी कार्स नहीं है, तो हम आगे जाकर ले लेंगे कार्स, टेंशन की बात नहीं है। तो अभी हम गैरेज पहुँचने वाले हैं। अरे 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 भाई, पागल हो गया। तो फाइनली गाइस, हम गैराज पहुंच चुके हैं। तो ये रहा इसका माइकल का गैराज, बहुत ही कोने खांचे में इसने लिया हुआ है। फ्रैंकलिन और माइकल दोनों ने मिलके ये पहले मशवरा किया कि यार ये लेनी चाहिए कार या नहीं लेनी चाहिए, और देखा भी क्या। तो गाइस, जैसे कि देखें, यहाँ पर इन दोनों ने मशवरा किया, फिर इतनी बड़ी कीमत हम एक साथ तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि 5-6 करोड़, ओ हाँ, जैसे कि आप 5-6 लाख अगर आप एक साथ देंगे, तो आप खुद ही सोचेंगे कि यार इतनी बड़ी मैं कीमत दे रहा हूँ, तो चीज़ भी अच्छी होनी चाहिए। तो आप खुद ही, हम ये अभी थोड़ी सी वो भी हो गई है ख़राब। तो मैंने आपको, जैसे कि मेरी, अगर आपने मेरी चीट्स वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आप वहाँ जाकर मेरे अकाउंट में देख सकते हैं यूट्यूब के, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। तो ये देखें, अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर खरोच लग चुकी है, तो मैं अभी इसको फ़िलहाल सही कर लेता हूँ। और ये दूसरी एक चीज़ है अभी, तो मैं फ़िलहाल इसको सही कर लेता हूँ। तो इसकी चीट है टर्टल। तो गाइस, जैसे कि देखें, मैंने यहाँ पर टर्टल कर दिया और ये पूरी सही हो गई। और इसका एक और ग्लिच है, जैसे कि अगर आपने आपकी कार चाहे जो भी हो गई हो, तो उसको अगर आप दोबारा से गैरेज में लाएंगे, ये जो आपने गैरेज जो भी होगा उसमें लाएंगे, तो वहाँ पर से आपकी कार दोबारा से सही हो जाएगी, रिपेयर हो जाएगी खुद ब खुद, ऑटोमेटिक गैरेज में रिपेयर हो जाती कार। तो हम वक्त ज़ाया नहीं करते, अभी हम देखते हैं अपनी और भी कार जो हमने ख़रीदी है, माइकल ने ख़रीदी है, और एक दो दिन में इसको ख़रीदी, और अभी हमने इसको फ़िलहाल बनवाया था, और अभी हम इसको देखते हैं इसका प्रीव्यू। और भी गाड़ियां मैं आपको दिखा देता हूं, अभी ये गैराज में कुछ चले जाए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में लाऊंगा, उसमें आपको फ्रैंकलिन की कार्स देखने को मिलेगी, जिसमें उसने भी बहुत ही अच्छी कार्स ख़रीदी है। तो अभी हम फ़िलहाल, सो गाइज़, फाइनली हम अपने गैरेज में आ चुके हैं, एंड यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमारे पास चार गाड़ियाँ हमारे पास ऑलरेडी गैरेज में मौजूद है, जो कि बहुत ही अच्छी गाड़ियाँ हैं। एंड ये वाली भी मैंने, माइकल ने एक दो दिन पहले ही ख़रीदी है शायद, तो ये भी महंगी है, मगर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये अच्छी है
या वो अच्छी है, इन दोनों में से कौन सी अच्छी है। और अगर आपको ये मालूम नहीं है कि अगर आपकी कार आप रास्ते में बीच में छोड़ देते हैं या जहाँ भी समझे आपकी कार ठुक गई या तबाह हो गई तो कहाँ आती है, तो वो आपको पुलिस स्टेशन में जाकर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको कार मिल जाएगी। तो वहाँ पर पुलिस वाले 200 से 250 रुपये लेते हैं ना, आपको कार दे देंगे वापस से। तो उसको मैं आपको एक मिनट, अभी मैं इसको आपको फ़िलहाल थोड़ी चला के बता देता हूँ कि कैसी चलती है। उसको तो आपने आपका प्रीव्यू देख लिया होगा, अभी मैं आपको उसको ऑफ रोड पे भी चला के बताऊँ बता देता हूँ उसको मैंने कैसे जैसे कि बनवाया है। तो देख सकते हैं गाइस, अभी यहाँ पर लॉस सैंटोस में रात होने वाली है और मौसम भी आजकल यहाँ पर ख़राब चल रहा है क्योंकि अभी कोरोना की वजह से ज़्यादातर लॉकडाउन भी है तो आवाम यहाँ पर बाहर नहीं निकलती इतना। और आप यहाँ ये देख सकते हैं जैसे कि हमारी वहाँ पर वो ग्रीन लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई है और इस कार का नाम मुझे इतने सही से मालूम नहीं है, ये भी शायद लैम्बोर्गिनी की या फरारी की कोई किस्म होगी, टाइप होगी। तो इसको हम खड़ा कर देते हैं, तो आप इसमें से बताएं कि कौन सी ज़्यादा अच्छी है इन दोनों में से। इसको मैं एक मिनट खड़ा कर देता हूँ। और गाइस मेरे को तो ज़्यादा जो अच्छी लगती है वो है ग्रीन, जो कि दिखने में भी बहुत अच्छी है, उसकी रफ्तार भी बहुत तेज़ है। और दोनों में से महंगी जो कार है वो ग्रीन वाली है, आप देख सकते हैं दोनों में से महंगी कार ग्रीन वाली है। और माइकल आजकल अमीर हो गया है तो ये ऐसे ही कपड़े पहनता है, आधा चड्डा और जैसे कि एक शर्ट और पहन लेता है। तो इसको अभी हम और भी कार्स खरीदेंगे, ये तो सिर्फ एक डेमो है। तो इसको आप, मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ग्रीन वाली की राइड करके थोड़ी बता देता हूँ, इसको थोड़ा चला के बता देता हूँ। अभी ये भले बाहर पड़ी हुई, शायद गैराज से पुलिस वाले नहीं उठाए, वरना तो ये लोग पुलिस वाले जो है वो बड़े वो है, ये लोग आप गाड़ी जहाँ भी छोड़ दोगे डायरेक्ट उठा लेते हैं और फिर हमसे 250 रुपये ले लेते हैं। तो इसको मैं आपको जैसे कि अभी चला के दिखा रहा हूँ गाइस, ये बहुत तेज़ भागती है। इन दोनों में से अगर हम इनको कंपेयर करें तो ये वाली ग्रीन जो कार है वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, दिखने में भी अच्छी है, चलने में भी। अब मैं आपको थोड़ा सा और भी चला के दिखा देता हूँ। और गाइस जैसे कि अभी फ्रैंकलिन और जो माइकल और ट्रेवर तो अभी फ़िलहाल डेथ हो चुका है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके सीरीज से मिशन करूं तो आप मेरे को ज़रूर बताएं और मैं करूंगा इंशाल्लाह इसके आगे से। जब ये इनके पास समझे 1.5 से 2 लाख होते हैं इनमें, इनका घर भी माइकल फ्रैंकलिन का तो अच्छा नहीं होता, और माइकल थोड़ा बहुत अमीर होता है, जो कि इसका जो ये वाला घर है वो ऑलरेडी इसके पास पुराना घर है और फ्रैंकलिन ने जैसे कि अभी नया घर ख़रीदा है, तो उसकी भी मैं वीडियो लाऊँगा इंशाल्लाह आगे। तो इसका मैंने हाल बहुत बुरा कर दिया चला चला के, और ये दिखने में भी गाइस बहुत ही अच्छी है पीछे से। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी गाड़ी की तरफ जो कि बाहर खड़ी हुई, हमने अभी निकाल दी थी इसको बाहर, वो शायद अभी पुलिस वालों ने इसको ले ली। मैंने आपको कहा था अभी जैसे ही आप इसको छोड़ के चले जाएंगे तो पुलिस वाले डायरेक्ट ले लेते हैं, तो अभी हम जाते हैं पुलिस वालों से अपनी कार को छुड़ा लेते हैं। जैसे कि देखें यहाँ पर आप गौर करें, देखें ये एक मिनट व्हीकल इम्पाउंड का यहाँ पर देखें ऑप्शन आ जाता है, ये जैसे कि गाड़ी की टाइप का बना हुआ है। यहाँ पर आपकी गाड़ी जो भी आपकी गाड़ी होगी सब यहाँ पर ये लोग लेके आ जाते हैं, पुलिस का थाना है एक तरह से, पुलिस यहाँ पर लेके आ जाती है। और यहाँ पर अलाउ नहीं है लॉस सैंटोस में कि आप कोई भी गाड़ी छोड़ के चले जाएँ, इनका रोड जाम हो जाता है ये ऐसा करने से, और ये अलाउ। तो अभी हम जाते हैं, अभी गाड़ी अपनी लेके आते हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग हमारी ये वाली गाड़ी रखेंगे, तो हम पहले एक काम करते हैं। सो गाइस जैसे कि अब हम अपनी ये वाली कार रख देते हैं, वरना तो हम ये वाली भी ले जाएंगे तो पुलिस वाले तो आपको पता है जैसे कि हमारी इनने एक कार तो ले ली उठा ली क्योंकि अलाउ नहीं है यहाँ पर। और जैसे कि अब हम यहाँ पर लोकल चलाते हैं ना कि इनका जो इन लोगों ने वो लगाए हुए उनका भी हम एहतियात नहीं करते और ऐसे बस चला लेते हैं, ऑफ रोड ड्राइविंग करते हैं। और ये जो लॉस सैंटोस में रहने वाले हैं ये भी सब यही बोलते हैं कि भाई ये माइकल और फ्रैंकलिन, तो वहाँ पर फ्रैंकलिन बहुत मशहूर है क्योंकि फ्रैंकलिन ने जो इसने नया घर लिया है वो पहाड़ों के बहुत ऊपर है, तो वहाँ पर से गाड़ी एहतियात से चलानी पड़ती है, वरना तो डायरेक्ट से अगर एक्सीडेंट हो गया तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ठोक रहा हूँ गाड़ी को बार बार। सो गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्रैंकलिन के घर के ऊपर भी पूरी वीडियो बनाऊँ, जो कि इसने नया घर ख़रीदा है, तो उसके ऊपर मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह आगे। अभी तो मेरा सेकंड एपिसोड है, फर्स्ट अगर आपको वीडियो देखनी है जैसे कि अभी मैंने आपको एक चीट करके बताया, एंड अगर आप चाहते हैं कि आपकी पुलिस बैठ जाए, बहुत सारे चीट्स मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बनाए थे। एंड गाइस लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और सो गाइस जैसे कि अब हमने पुलिस वालों से यहाँ पर से अपनी लैम्बोर्गिनी चुरा ले ली है, तो यहाँ पर से देखें हमारी वो ग्रीन वाली जो थी वो दूसरी थी, अब हमने यहाँ पर से दूसरी वाली जो ये लोग ने ले ली थी हमने यहाँ पर से इनको 250 रुपये जैसे मैंने आपको कहा था ले लिए। तो अब मैं इसको आपको चला के थोड़ा दिखा देता हूँ कि इसका कैसी है और ये बेहतर है या नहीं लेने में। और गाइस ये इतनी महंगी नहीं है,
ये कम से कम 4 लाख तक की है, और जो वाली थी वो 7 से 8 लाख तक थी। तो अभी मैं उसको यहाँ पर से थोड़ा दूर ले जाऊँ, वरना ये लोग दोबारा से मेरे को गिरफ्तार नहीं कर ले क्या, ये क्या कर रहा है। तो इसको मैं आपको थोड़ा आगे ले जा के बताता हूँ कि इसका प्रीव्यू कराता हूँ कि कैसी लगती है। और गैस मगर ये इसमें एक मसला ये है कि चलने में थोड़ी सी जाम है, जैसे कि देखें अभी मैं आपको नीचे आपको ब्लू लाइट्स दिख रही होंगी, ये मैंने लगवाई है एंड ये बहुत ही दिखने में तो बहुत ही अच्छी है एंड चलने में भी सही है, मगर थोड़ी सी जाम चलती है। और इसका जैसे कि मैंने टायर स्मोक भी लगवाया है, इसका कलर है ऑरेंज, इसी कलर का मैंने टायर स्मोक लगवाया है ऑरेंज। और इंशाल्लाह जो मैं आगे नेक्स्ट कार्स ख़रीदूँगा तो मैं, अभी तो मैंने इसको फ़िलहाल बनवा ली है, तो अगली बार मैं आपको खुद ही ले जाऊँगा कस्टम वो लॉस सैंटोस कस्टम, तो वहाँ मैं आपको दिखाऊँगा कि आप कार कैसे बना सकते हैं एंड मैं आपसे पूछूँगा भी कि कैसे मैं बनवाऊँ। तो ये देखें यहाँ पे इसका टायर स्मोक है, अभी मैं आपको थोड़ी चला के दिखा देता हूँ और आगे से इसका लुक देख लीजिए। इसका मैं लाइट भी थोड़ी खोल देता हूँ, अभी फ़िलहाल दिन है तो इसकी लाइट इतनी अच्छी नहीं लग रही, मगर इसके और मैंने यहाँ पर देखें इसके काले शीशे लगवाए, जैसे कि ज़्यादातर गाड़ियों के, जैसे वहाँ पर देखें आप सफ़ेद शीशे हैं आर पार दिखेगा, ये मैंने इसलिए करवाया ताकि आर पार नहीं दिखे। और उसको मैं आपको थोड़ा चला के बताता हूँ, और इसका इंजन भी मैंने अच्छे वाला लगवा लिया, क्योंकि गाइस आजकल ये लोग अमीर हो गए हैं। और फ्रैंकलिन का भी मैं नेक्स्ट एपिसोड बनाऊंगा जिसमें फ्रैंकलिन की कुछ कार दिखाऊंगा, वो भी मैंने ख़रीदी हुई है, तो मैं आपको दिखाऊंगा और आप देख सकते हैं इसका प्रीव्यू दिखने में कैसी अच्छी है। और जैसे कि मैंने सुना है कि फ्रैंक, जैसे कि माइकल ने तो कोई इतना ख़ास खर्चा नहीं किया, और जैसे मैंने सुना है कि फ्रैंकलिन ने गोल्ड की कार बनवाई है जिसमें इसने फुल गोल्ड का खर्चा करवाया है, और माइकल से ज़्यादा अमीर जैसे कि फ्रैंकलिन है, उसका बंगला भी थोड़ा सा अच्छा है और अच्छी जगह पे लोकेशन पे बिलोंग करता है, और उसका जो बंगला है फ्रैंकलिन का वो पहाड़ों के ऊपर है। तो इसने बहुत ही अच्छी एक गाड़ी बनवाई, वो भी मेरे ख्याल से लैम्बोर्गिनी की कोई किस्म है। तो फ्रैंकलिन बता रहा था माइकल को कि इसने एक कार बनवाई गोल्ड के कलर की। तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गई, और मैंने सुना है कि फ्रैंकलिन ने फुल गोल्ड जो होता है गोल्ड की कार ली है, और वो भी फरारी से बिलोंग करती है, उसकी भी टाइप कोई फरारी की है। तो ये भी चलने में तो गाइस बहुत ही अच्छे, मगर मेरे को बस इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत ही, यानी इसको जब इसका पिकअप है वो बहुत देर से इसका पिकअप उठता है, और वो जो है ग्रीन वाली फरारी वो बहुत तेज़ चलती है, यानी डायरेक्ट से वो पिकअप उठा लेती है, ये थोड़ा सा टाइम लगाती है पिकअप उठाने में। तो गाइस यही थी दो कार माइकल की, तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलें अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह।